तो दोस्तों, हमने सपनों का गणित के पहली श्रृंखला में समझा था कि एक दंपत्ति के रूप में एक साथ रहने का मतलब है कि सपनों को एक साथ देखना और उन्हें एक साथ मिलकर पूरा करना। अब देखते हैं आगे की कहानी। अरे सुनो, आज शीला चाची आई थी और बोली कि बच्चा जनने में ज्यादा देर मत करना। उनकी बहू कोने के 3 महीने में ही पेट से हो गई थी। कह रही थी इससे आपस का प्यार बढ़ता है। अरे तुम परेशान मती हो, चाची कुछ भी बोल देती है। पर सोचो तो, चाची की बात शायद गलत भी नहीं है। अरे पर कुछ दिन पहले तुम ही तो कह रही थी कि तुम अभी पढ़ना चाहती हो, अपनी सिलाई के काम को बढ़ाना और अपनी एक दुकान खोलना चाहती हो, फिर उसका क्या होगा? हाँ, कहा तो था, और सही बोलूं तो अभी भी यही लगता है, पर... अरे पर कुछ नहीं, अभी पहले हम दोनों को बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी करनी होगी। पर इन सब में तो समय लग जाएगा, और जैसे कि चाची ने कहा, कहीं देर ना हो जाए। तो एक काम करो, जब फुआ जी के यहाँ जाएंगे तो एक बार उनसे या रजनी बाऊजी से बात करना, वो हमें इस बारे में सलाह दे सकती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, पर एक बात बताइए, आप भी आज कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं, मैं संभाल लूँगा। अरे मुझे बताइए तो, मैं भी तो हमेशा हर बात बताती हूँ। बात ये है कि अगर मुझे दुकान का काम बढ़ाना है तो उन्नत बीज को शहर जाकर बेचना पड़ेगा। तो इसमें सोचना क्या है, आप जाइए। अरे पर अगर मैं शहर जाऊंगा, तुम्हें यहाँ गांव में अकेले छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम भी अभी नई आई हो यहाँ। अरे इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं भी काफी लोगों को जानने लगी हूँ, बिमला चाची की बहू से भी जान पहचान हो गई है। आप चिंता ना करो, काम पर ध्यान दो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी एक मोबाइल फोन ला दूं, ताकि जब मैं शहर जाऊं तो तुमसे आराम से बात कर सकूं। अरे पहले आपका काम थोड़ा बढ़ जाने दीजिए, फिर मोबाइल फोन भी ले लेंगे। चलो फिर कल सुबह शहर जाने का प्लान करता हूँ। अरे रानी, तुम इस समय यहाँ? पूजा दीदी, ये जो आपने लहंगा सिला था उसको थोड़ा कमर से टाइट करना है, मुझे कल पहनना है दीदी। पर मैं तो अभी खाना बना रही थी। अच्छा रख दो, कितना टाइट करना है? बस आधा इंच। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ आधे घंटे में दादाजी की दवा लेकर, ठीक है? अरे कोई बात नहीं पूजा, तुम ये लहंगा ठीक कर दो। पर खाना? अरे खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी आप कैसे खाना? मैंने बचपन से माँ के कामों में मदद की है, मुझे खाना बनाना आता है। और फिर जब तुम मेरे हर काम में मेरा साथ देती हो तो मुझे भी तो तुम्हारा हाथ घर के कामों में बटाना चाहिए ना। वैसे भी इस समय ये लहंगा ठीक करके देना ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे घर की और दुकान का काम ऐसे ही तो बढ़ेगा। ये लो रानी तुम्हारा लहंगा। ठीक है दीदी। खाना तैयार है, चलो खा लेते हैं। और हाँ याद है ना, परसों फुआ जी से मिलने जाना है। हाँ हाँ याद। आज गांव से माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कह रही थी छुटकी से मिले बहुत दिन हो गए। तो तुम 2-4 दिन रहे हो उनके पास? देखो मुझे तो टाइम मिलेगा नहीं, तो तुम मिलवा लाओ छुटकी को। अरे आजकल मुझे भी काम से आने में बहुत देर हो जाती है, समय ही नहीं मिल रहा। तो तुम अपनी माँ से कहो कि कुछ दिन हमारे यहाँ आ जाए, ऐसे में छुटकी से मिलना भी हो जाएगा और तुम्हें अपने काम से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। पर मुझे लगा शायद आपको उनका यहाँ रहना ठीक ना लगे। अरे ये उनका भी तो घर है, और जितना दादी को प्यार होता है अपने पोता पोती से, उतना ही प्यार नानी को भी होता है। तो बस अब अधिक नहीं सोचो और अपनी माँ को यहाँ बुला लो, हम सबको अच्छा लगेगा। जी मैं आज ही फोन कर दूंगी। पाए लागू बुआ जी। आहो मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? बस ठीक। और कैसे हो शुभम, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, दुकान का काम बढ़ाने के लिए अब शहर अक्सर आना जाना लगा रहेगा। खूब बढ़िया। अरे वाह शुभम भैया, सुना है आप दुकान का काम बढ़ाने के लिए शहर जाकर बीज बेचेंगे। हाँ। अच्छा है, इससे आमदनी भी बढ़ जाएगी, पता नहीं इनको कब प्रमोशन मिलेगा, कब आमदनी बढ़ेगी। अरे वो दुकान चलाता है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, मेरी तो प्रमोशन होगी तभी तनख्वाह बढ़ेगी। अब छुटकी भी बड़ी हो रही है,
मन करता है उसे भी घुमाने ले जाएं कहीं, थोड़ी देश दुनिया दिखाएं, पर वो सब में खर्चा बहुत होगा। अरे हेडमास्टर जी कह रहे थे कि वो मुझे बड़ी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे जी। उससे मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी और तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। पता नहीं कब होगा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, जब समय आएगा सब हो जाएगा। हाँ माँ, पर काम भी बढ़ जाएगा और स्कूल में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। ऐसे में जो समय मैं छुटकी के साथ शाम को बिताता हूँ, उसे खेल खेल में नई चीजें सिखाना, वो सब कैसे होगा? आप चिंता ना करो, छुटकी को मैं और माँ मिलकर संभाल लेंगे। मैं काम से आकर अधिक समय छुटकी के साथ बिताऊंगी और साथ में घर का काम भी संभाल लूंगी। पर तुम भी दफ्तर से आकर ये सब कैसे करोगी? अगर आप मेहनत करके छुटकी को एक अच्छा जीवन देने की सोच रखते हैं, तो मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ। आप अकेले सब भार क्यों उठाएंगे? चलो देखते हैं कब से ये नई जिम्मेदारी मिलती है। अच्छा लगता है जब मैं तुम सबको एक साथ मिलकर इतने अच्छे से अपनी जिंदगी को संभालते हुए देखती हूँ। हमारे समय में ना तो कोई इतना सोचने वाला था और ना ही कोई बताने वाला। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो बन गए, बाकी पीछे रह गए। पर नए जमाने में पति पत्नी को साथ मिलकर सोचते हुए काम करते हुए देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी आगे बढ़ने और अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अरे पूजा, तुम इतनी चुप क्यों हो? अरे हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? वो फुआ जी, कल शीला चाची आई, कहा कि हमें बच्चा करने में देर नहीं करनी चाहिए। फुआ जी, अभी तो हम दोनों को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और काम भी बढ़ाना है, ऐसे में बच्चे के बारे में कैसे सोचे? पर इन सब में तो काफी समय लगेगा ना रजनी भाऊ जी। बात तो पूजा की भी ठीक है, वैसे भी आप जब शहर जाओगे तब अगर हमारा बच्चा होगा तो मैं अकेली भी नहीं होंगी गाँव में। अरे मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, फिर भी हम बच्चे की जिम्मेदारी के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। थोड़ा समय देना होगा हम दोनों को ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और काम भी बढ़ा सके। हो सकता है आप सही हो, पर अच्छा अच्छा सुनो मेरी मानो, परिवार आगे बढ़ाने से पहले एक बार आशा दीदी से मिलकर सब समझ लो। तुम कहो तो आज ही आशा दीदी को घर पर आने के लिए कह दूं? अरे फुआ जी, अभी से क्यों आशा दीदी से बात करना? एक बार बात हो जाएगी तो हम दोनों के मन में जितने भी सवाल हैं उन सब का हल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें लगता है तो तुम बात कर लो। हम दोनों को साथ में बात करनी होगी। एकदम ठीक, चलो अब सब खाना खा लेते हैं। जी। तो दोस्तों, हमने सपनों का गणित के इस श्रृंखला में समझा है कि दंपत्ति जीवन का एक ऐसा चरण है जहां पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने की जरूरत होती है और फिर उन्हें उन क्षेत्रों की खोज करने में सक्षम होना चाहिए जहां दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है और फिर उन पर काम करना चाहिए। और इस चीज को शुभम और पूजा और मनोज और रजनी बहुत अच्छे से समझ और अपना पाए हैं।